नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर जिस तरह असम में लगातार हमले हो रहे हैं वो लोकतंत्र की बेहद शर्मनाक तस्वीर है और असम सरकार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठते हैं। पहले लखीमपुर में भारत न्याय यात्रा के काफिले पर हमला हुआ, उसके बाद जयराम रमेश की कार को घेरा गया, स्टीकर फाड़े गए, पानी फेंका गया और अब राहुल गांधी की बस को घेर लिया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के नारे लगाते हुए कैसा व्यवहार किया जरा देखिए। ये वीडियो आप देखिए, राहुल गांधी बस से सफर कर रहे हैं और ये भाजपा के झंडे के साथ नारेबाजी हो रही है। और देखिए, राहुल गांधी जब बस से नीचे उतरते हैं तो क्या होता है। ये मोदी मोदी के नारे लगते हैं, राहुल गांधी हाथ मिलाते हैं, उसके बाद बस को रोकने को बोलते हैं। तो राहुल गांधी नीचे उतरते हैं तो भाग खड़े होते हैं बीजेपी का कार्यकर्ता, उसके बाद राहुल गांधी फ्लाइंग किस देते हुए वहां से निकल जाते हैं। नीचे बीजेपी के कार्यकर्ता मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाते रहते हैं। दोस्तों, लोकतंत्र के लिए अपने आप में बेहद शर्मनाक है क्योंकि तमाम दलों की राजनीतिक रैलियां निकलती हैं लेकिन कभी किसी का आपस में ऐसा विरोध देखने को नहीं मिला। दोस्तों, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है, तो क्या बीजेपी कार्यकर्ताओं को लोकतंत्र के मायने नहीं पता? मोदी मोदी के नारे लगाने वाले इन कार्यकर्ताओं को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए कि लोकतंत्र में तमाम दल राजनीतिक रैलियां निकालते हैं, यात्राएं निकालते हैं, एक दूसरे की यात्रा में जाकर ऐसे नारे लगाना, मोदी मोदी चिल्लाना सरासर गुंडागर्दी कहा जाएगा। अगर आप कांग्रेस का समर्थन नहीं करते तो आप कांग्रेस की यात्रा में क्यों जा रहे हैं? तमाम नेता रैलियां करते हैं, यात्राएं निकालते हैं, उसका सम्मान करना चाहिए, लोक लाज बनाए रखनी चाहिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। लेकिन असम की सरकार भी अपने कार्यकर्ताओं की ऐसी गुंडागर्दी पर सोई हुई है। अगर आप कांग्रेस को पसंद नहीं करते, राहुल गांधी को पसंद नहीं करते, तो आप यात्रा में क्या करने जाते हैं, साफ तौर पर क्या उकसाने जाते हैं? यहां पर अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी भड़क जाए तो फिर क्या हालात पैदा हो सकते हैं? असम के सीएम कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं तो क्या ऐसे लोगों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए जो झंडे लेकर जाकर राहुल गांधी की बस का घेराव करते हैं, नारे लगाते हैं? तो क्या यह कानून व्यवस्था बिगाड़ने का मामला नहीं है? राहुल गांधी भी अगर ऐसा व्यवहार करते, फ्लाइंग किस ना देकर कोई भड़काऊ भाषण देते तो अब तक FIR हो जाती। बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऐसे व्यवहार पर सुप्रिया श्रीनेत क्या कहती हैं? एक शेर क्या उतरा, सारे गीदड़ दुम दबाकर भाग गए, कलेजा चाहिए भाड़े की इस गीदड़ फौज में उतर जाने के लिए। नफरत के खिलाफ सिर्फ मोहब्बत काफी है, डरपोकों की फौज के आगे एक अकेला लीडर काफी है। तो सुप्रिया श्रीनेत यहां पर राहुल गांधी की तारीफ करते हैं कि जब राहुल गांधी बस से उतरे तो बीजेपी कार्यकर्ता वहां से भाग गए, राहुल गांधी फ्लाइंग किस देते रहे और बीजेपी कार्यकर्ता मोदी मोदी चिल्लाते रहे। तो क्या यह लोकतंत्र के लिए अच्छी तस्वीर है? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? जिस तरह राहुल गांधी की न्याय यात्रा को असम में लगातार टारगेट किया जा रहा है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।